बिगेस्ट बुद्धा स्टेचू, ये मिस हो जाता हमसे। ये ओ यू कैन टेक अ पिक्चर्स देयर इफ यू वांट, नो देन कम। यहां से बिल्कुल कुछ दिखना बंद हो जाएगा, यहां से कुछ नहीं दिखेगा, सच बता रहा हूं। इसकी एक्साइटमेंट ही अलग है भाई। मैं प्लीज स्वागत है सबका नए ब्लॉग में। मेरा नाम है पारस कोचर और मैं हूँ इस समय वियतनाम के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन के एक ब्यूटीफुल टाउन में जिसका नाम है सापा। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ सापा के मोस्ट टूरिस्टी प्लेस जिसका नाम है फैंसीपन माउंटेन, जो कि वियतनाम के एकदम हाई एल्टीट्यूड में है। माने ये कम से कम 10,000 की फीट की ऊंचाई पर है वियतनाम के। और वहाँ पर जाने के दो तरीके हैं। पहला तो क्या है कि अपने हॉस्टल या होटल से कैब लो और यहाँ पर आना पड़ेगा स्टेशन पर, सापा स्टेशन पर। देन यहाँ से जाती है केबल कार जो कि 15 मिनट में आपको ऊपर तक पहुँचा देगी। इतना हाई अल्टीट्यूड है, माने कम से कम 3,000 के करीब मीटर के अल्टीट्यूड पे है वो। एंड दूसरा तरीका ट्रैकिंग करने का, ट्रैकिंग के लिए आपको दो दिन जाएंगे और उसके लिए ज़्यादा भी पे करना पड़ेगा, ट्रिपल पे करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके लिए गाइड को हायर करना पड़ेगा, कैब करनी पड़ेगी, बहुत झंझट होते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, अगर सस्ते में करना, भाई किसी को ट्रैकिंग करनी है तो ट्रैकिंग के थ्रू जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ केबल कार के थ्रू। अच्छा, तो यहाँ से मैंने एंट्री करी थी एंड यहाँ पे कुछ ऐसा है, इस साइड पूरा मार्केट है और जो टिकट काउंटर है वो इस साइड है। यहाँ लिखा पड़ा है टिकट काउंटर 1, काउंटर 2, तो यहाँ से टिकट लेनी है। तो ऐसा है, अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ से हमें यहाँ जाने के लिए ट्रेन के लिए हमें 20,000 वियतनाम डोंग एंड देन यहाँ से वेयर हेयर फ्रॉम हियर टू हेयर, यहाँ पे जाने के लिए केबल कार के लिए हमें 850 एंड 150 फॉर ट्रेन वियतनाम डोंग देने पड़ेंगे। तो ये ट्रेन टिकट और क्या नाम है केबल कार की टिकट है और इसको साथ में रखना है क्योंकि रिटर्न टिकट भी यही है। तो इसके लिए मैंने टोटल पे करे हैं 1,000,000 वियतनाम डोंग। चलो फाइनली खुल तो गया ये, बट मुझे अभी तक वेट करना पड़ेगा बाकियों के आने तक का। बाकी तब तक ट्रेन देखते हैं, हमारे पास टाइम अच्छा है, फैन लगा हुआ है यहाँ पे, लाइटिंग अच्छी हो रखी है और अगर हम आगे जाके देखें तो ठीक है। यहाँ पे तो मेरे ख्याल ड्राइवर का काम हुआ है, यहाँ पे पता नहीं ऑटोमेटिकली भी हो सकती है, वहाँ पे भी सेम ही है ऐसा, ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है। देखते हैं, क्या पता मैं अकेला भी जा सकता हूँ, बट मुझे विंडो सीट लेनी है चाहे जो मर्जी हो ना, क्योंकि विंडो सीट के अलावा तो कुछ फायदा नहीं है यहाँ पर। तो सेम है यहाँ पर, यहाँ से एग्जिट हो जाएगी, यहाँ से एंट्री है। 12:30 बज गए हैं तो माने 15 मिनट तो दिया है इसने निकलने के लिए यहाँ से, ठीक है। माउंटेन्स, अच्छा ये ना नीचे रोड दिख रहा है, यहाँ से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा यहाँ पे ज्यादा लोग भी नहीं है, दिखाऊं मैं पीछे तो ना, ज्यादा लोग भी नहीं, सब वीडियो ही बना रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल कुछ दिखना बंद हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा, सच बता रहा हूँ। इसकी एक्साइटमेंट ही अलग है भाई। मैं प्लीज मुझे बस ऐसा मत समझना, बट मैं ना इसकी एक्साइटमेंट ही अलग है। जैसे मैं अपनी साइड कैमरा करके रखा है मैंने, तो मेरे चारों साइड देख सकते हो कि एकदम फॉक्स हो गई है, एकदम मतलब कुछ नहीं दिख रहा है आसपास यहाँ। और ऐसी जगह पर तुम अकेले बैठे हो, यू जस्ट अलोन हियर, इसका एक अलग ही मजा है। या सही में मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंडा है, यहाँ पे अगर इसको फील करोगे ना, पता नहीं कैमरा में कितना नजर आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ नजर नहीं आएगा। ओके, साइड से नीचे जाना है तो हम यहाँ से जा सकते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा, कम से कम यहाँ पे 600 के करीब सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के अभी बहुत ऊपर जाना और मेरे आसपास कुछ नहीं दिख रहा होगा और यहाँ ठंड हो रखी है,
ठीक है मैं इतना बियर कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी ठंड से। पर अभी बहुत ज्यादा ऊपर जाना है, मैंने बताया ना 600 से ज्यादा सीढ़ियां हैं यहाँ पर। यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हो, अलाउ है। ये तो मूवीज की तरह लग रहा है। वैसे मुझे लगा था मैं ही यहाँ पे अकेला आऊंगा, बट मुंबई से 3-4 लोगों का मुझे ग्रुप दिखा, 2 लड़का 2 लड़की थे, उनसे बात करी मैंने, उन्होंने बोला कि हमने भी सिर्फ आपको ही देखा है और एक फैमिली को। मजा आ रहा है, बट यहाँ पूरा मूवीज की तरह लग रहा है यहाँ पे ना। यहाँ मैं रुक सकता हूँ आराम से बहुत टाइम तक। इधर बिना सोचे समझे यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लोग खड़े थे, बट बाद में देखा मैंने साइन बोर्ड, ये रेस्ट रूम है, माने वॉशरूम भी है यहाँ पे। चलो चढ़ते हैं आगे। टेंपल है यहाँ पे, इस टेंपल में ज्यादा क्राउड हो रखा है, यहाँ से बहुत लोग उतर के आ रहे हैं। यहाँ से एंट्री है, यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा किसी को कुछ खाना टेस्ट करना हो, पर मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर। अब भाई पूरा सीधा चढ़ना है ऊपर, और कुछ दिख नहीं रहा अभी यहाँ से, एंड ये साथ में ये मेरे कोरियर से है। अच्छा भाई तुम्हें यहाँ से ऊपर से सीढ़ियाँ दिखा रहा था ना, मैं यहाँ से गया था ऊपर, तुम सीढ़ियों में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेनी है 150 की वन वे है, 2 वे क्या बोलते हैं 270 की है वियतनाम डोंग, एंड यहाँ से जाके हमें ट्रेन मिल जाएगी, तो ऊपर जा सकते हैं ट्रेन से, एंड वापसी हम क्या नाम है खुद आ जाएंगे सीढ़ियाँ उतर के। तो मैंने चलो ठीक है फिर चलते हैं, इसको भी यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। इस तरह की भीड़ हो चुकी है, सभी ऊपर देखो, यहाँ से ट्रेन जाएगी एकदम टॉप पे, एकदम पीक पे। यार कुछ ज्यादा जल्दी पहुंच गए, चार्ज तो इन्होंने ज्यादा किया था, मुझे लगा बहुत ऊपर तक जाएंगे, बट मे भी हो सकता है, नहीं यार पहुंच गए हम, यही उतरना है। चलो उतरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो सीढ़ियाँ चढ़ सकता है सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा सकता है, जरूरी नहीं है मेरी तरह ट्रेन करने के, मेरा तो बस काम है सब कुछ दिखाना है, हर पॉसिबिलिटी दिखाना। यहाँ सीढ़ियों पे ना बहुत ध्यान से चढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे ना पूरा पानी पानी हो रखा, और इसलिए सबने ये पन्नियों वाले रेन कोट पहन रखे हैं। यहाँ मिल जाते हैं 10,000 वियतनाम डोंग में मिल जाते हैं। अभी तो और जाना है ऊपर, मजा भी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कब पहुंचूंगा ऊपर। इतनी ठंड में जिसको आइसक्रीम खाने का शौक है वो आइसक्रीम भी मिल ही जाएगी, मैं भी खाऊंगा आके। तो हम पहुंच चुके हैं, ये देखो वियतनाम के एकदम पीक पर हाई अल्टीट्यूड, सब यहाँ पे आके फोटो खिंचवाते हैं, और मैं भी खिंचवाऊंगा क्योंकि मेरे साथ है कोरियन इंस्टाग्राम, तो मैंने इनसे बात कर ली है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बाकी हिच चैकिंग करके मैं इतना कुछ आया नहीं, बट एट दी एट पहुँच गया मैं एकदम पीक पे, ये 10,000 की फीट पर है, जैसे देख सकते हो लिखा भी है फ्रेंसीपन 3.143 मीटर। यहाँ फ्लैग भी है, ये तो देखा ही नहीं, वो देख रहा पिक्चर कैसे क्लिक करवाए जाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको भी कवर करते हैं। ये ना फोक की ये ना दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, पर अच्छा है। बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी, यहाँ पूरा घूमते रहोगे, फाइनली मजा तो आ ही गया यहाँ पर आके। ये सीधा टॉप पे आ चुका हूँ, यहाँ पे सीधा फ्लैग दिख जाएगा यहाँ पे ऊपर, एंड पता लग रहा होगा कितने अल्टीट्यूड पे है ये। जो मैंने 150 वियतनाम डोंग एक्स्ट्रा खर्च करे थे, किसी को खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने बस ऐसे ही कर दी थी एक्सपीरियंस के लिए, कितना ऊपर लेके जाते हैं।
बाकी सीढ़ियाँ चढ़ कर जाने में कोई मुश्किल नहीं है, आराम से पहुँच जाओगे। साथ में ये भी थी मेरे, तो मैंने चल ठीक है साथ में ही जा रहे हैं तो कोई नहीं। इसने ट्रेन टिकट ले रखी थी पहले से, बुक कर रखी थी, ठीक है मैंने चल लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर टेम्पल है, यहाँ पे अभी भी इतना कुछ बचा है ना देखने के लिए, क्या बताऊं। दिख कुछ नहीं रहा है वैसे, बट ऐसे यहाँ चलने में मजा आ रहा है। ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज्यादा ही ठंडी हवा। यहाँ ना यार यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, ये पूरा व्यू यहाँ से जो आ रहा है, सीढ़ियाँ पता नहीं कहाँ जा रही होंगी। लेट्स गो, इस साइड भी रास्ता जाने का, बट हम जा रहे हैं इस साइड, देखते हैं चल के। ओ यू कैन टेक अ पिक्चर्स देयर इफ यू वांट, देन कम, वहाँ से पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं इस व्यू के साथ, क्योंकि वैसे कुछ दिख नहीं रहा बट स्टिल बिगेस्ट बुद्धा स्टेचू, ये मिस हो जाता हमसे। ये तो अच्छा हुआ हमने वापसी की ट्रेन की टिकट नहीं ली। अब जा रहा हूँ मैं इस साइड इनसाइड, मिस हो जाता मेरे से ना ये बुद्धा स्टैचू। एंड मेरे बालों में दिख रहा होगा पानी कितना हो गया है, तो ये इसकी वजह से ही हुआ है, जो यहाँ पे वेदर हो रहा है उसकी वजह से पूरा ये पानी पानी बालों में हो गया है। तो किसी ने कैप लगा रखी है, किसी ने पन्नी का कुछ पहन रखा है, बट मैं सिर्फ अभी शर्ट में आऊँ तो ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है। एंड नीचे जाना है हमें, ये देखो अभी और नीचे जाना है यहाँ से। मुझे तो लग रहा है ऊपर चढ़ते हुए हमें सीढ़ियाँ लेनी चाहिए थी और नीचे उतरते हुए ट्रेन लेनी चाहिए थी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ना ये स्लिपरी है, यहाँ पे ना वेदर की वजह से ना पानी हो रखा है सीढ़ियों पे, तो फिसल सकते हैं। पर ठीक है, अगर आराम से जाएं, कि सब ऊपर जाना नीचे जाना कर रहे हैं तो हो सकता है आराम से। यहाँ थोड़ा डर सा लग रहा है नीचे उतरने में, क्योंकि यहाँ सीधा गिरे ना नीचे तो जॉन विक 4 में जो सीन देखा था ना, इतना नीचे जाएंगे ना पूछो मत। थोड़ा उतरने में डर सा लग रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियो। ओ शिट यार, ये दिख गया पानी आता हुआ, पूरा झरना, इसकी आवाज आ रही थी इतनी देर से, और यहाँ से उतरने में इतना डेंजरस सा लग रहा है ना। अगर मैं यहीं से इसको ऐसे कैमरा एंगल से लेके चलूं तो मे भी समझ आए इसकी वॉइस के साथ, ठीक है फील अच्छा लग रहा है, इतना एक्साइटमेंट था, एडवेंचर रियली फील गुड। से टू थैंक्स, इसने मेरी बहुत ज़्यादा पिक क्लिक करी, वैसे तो इसकी ज़्यादा मैंने पिक क्लिक करी है, बट ठीक है यहाँ किसी को बोल नहीं सकते, यहाँ इंग्लिश किसी को ज़्यादा आती नहीं है, ठीक है बढ़िया है। तो यहाँ तक मैंने दिखाया था, देन उसके बाद मैं यहाँ से नीचे जाके ट्रेन पकड़ के मैं ऊपर चला गया था, तो ज़रूरी नहीं है सबको मेरी तरह ट्रेन पकड़ने के लिए, पैदल जा सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हो, इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं है। तो यहीं से मैं ऊपर गया था एंड यहाँ पे आके सफ़र ख़त्म होता है, यहाँ से फिर हम अंदर चले जाएंगे। काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया था। यहाँ से अंदर नहीं जाएंगे, सॉरी गलती होगी मेरे से, यहाँ से अंदर जाएंगे नीचे, यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से आया हूँ और यहाँ से फिर से केबल कार मिल जाएगी, बस टिकट शो करनी है अपनी एंड यहाँ से हम सीधा जाएंगे नीचे। यहाँ का तो लगी मॉल हो रखा है, वहाँ से हम आए थे ना, और हमारी एग्जिट हो रही है।
मजा आ गया यार, सही में बहुत ज्यादा मजा आया। अब यहाँ से कहीं और जाने का प्लान है, देखता हूँ मैं कि जगह बताइए इसमें, हाँ तो वहाँ देखता हूँ, वहाँ जाऊँगा मैं, अदरवाइज नहीं तो फिर यहाँ सीधा अपने हॉस्टल। भाई चलता रहता है इसमें, चुपचाप बैठ जाना बिना सोचे समझे। अच्छा मैंने इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया है मैं, व्हाट्स योर नेम? नेम? या ठीक है, तो इसका ये नाम है जिसको समझ आए ठीक है, बाकी ये साउथ कोरिया से है, इंस्टाग्रामर है, मतलब इंस्टाग्रामर नहीं है ये, कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड इसका वर्क है। तो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा हम घूम फिर रहे थे, तो इंट्रोड्यूस करने का दिमाग में नहीं रहा, एकदम मिले, फोटो क्लिक करा रहे थे, एंड देन इसने मेरी क्लिक करी, मैंने उसकी फोटो क्लिक करी, तो जस्ट हम एक साथ मिलके, तो ध्यान नहीं रहा मेरा इंट्रोड्यूस कराने।